हे गाइस, दिस इज टेक्निकल केडी। गाइस, आज जो हम ट्रिक देखने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मैं दिखाता हूँ एक्चुअली ये ट्रिक है क्या। फ्रेंड, जब भी आपको व्हाट्सएप पे कोई इमोजी आएगा या कोई रिलेटेड टेक्स्ट आएगा, तब आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर ऐसे बड़े एनिमेटेड इमोजी शो होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लव आईज वाला इमोजी यहाँ पे सेंड किया, तो मेरे सेकंड मोबाइल के होम स्क्रीन पर भी ये इमोजी आ गया। वैसे ही मैं लव टेस्ट को यहाँ पे सेंड करता हूँ, तभी वो इमोजी यहाँ पे आ गया है। वैसे ही अगर एंग्री वर्ड को मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और सेंड करता हूँ, तो मेरे सेकंड मोबाइल में एंग्री वाला इमोजी यहाँ पे एनिमेट हो रहा है ना। इंटरेस्टिंग फ्रेंड, अगर आपको भी ये ट्रिक सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जस्ट क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पर एंड मेक श्योर हिट द बेल आइकॉन। फर्स्ट आपको नोटिफाई स्टिकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, देन ऊपर के हेल्प के आगे के टैगल को ऑन करना है। ऐसे करने से आप एप्स को परमिशन देते हैं नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस करने की। अब आपकी एप्स रेडी है यूज करने के लिए। गैस, अभी जो आप देख रहे हैं वो कीवर्ड्स है। ये कीवर्ड्स जब आपके व्हाट्सएप पे मैसेज थ्रू आएंगे, तब उससे रिलेटेड इमोजी जो होगी वो आपके होम स्क्रीन पर पॉपअप करेंगी। वैसे ही आप चाहे तो आपके खुद के कीवर्ड्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।